ये कहानी है एकलव्य की। एकलव्य महाभारत महाकाव्य का एक ऐसा महत्वपूर्ण चरित्र था। वह एक प्रतिभाशाली धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था और उसके पास पशुपति नाम का धनुष था। एकलव्य एक आदिवासी राजा हिरण्यधनु का बेटा था। इस कारण वह निषिद्धील जमाति का राजकुमार था। अन्य ग्रंथों में यह कहा गया है कि एकलव्य भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य की पौराणिक कथा अपने गुरु के प्रति एक छात्र की असीम भक्ति को उजागर करती है। ग्रंथों के अनुसार वह तीरंदाजी के कौशल में माहिर था और धनुर्विद्या का सकोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था। परंतु क्षत्रिय वर्ण से होने के कारण उसे द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। फिर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपने मन में गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन जब एकलव्य ध्यान लगाकर साधना कर रहा था, तब एक कुत्ते के कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, जो उसके पास में भौंक रहा था। एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में सीधे 7 बाण इस कौशल्य से चलाए थे कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। जब द्रोणाचार्य ने यह धनुष कौशल्य देखा तो उन्होंने अर्जुन से किए हुए वादे और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए उनके दायित्व के लिए संभवित संकट नजर आया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु माना था और यही बात को ध्यान रखते हुए द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा की मांग की। द्रोणाचार्य ने उनसे अपना दाहिना अंगूठा मांग लिया, जो तीरंदाजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकलव्य ने खुशी से अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली से प्रयोग कर तीर चलाने लगा। अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से एकलव्य ने पूरी तरह से एक कुशल योद्धा बन गया। मथुरा पर हमले के दौरान जब उसने जरासंध को सहायता प्रदान की थी, तब उसने अपने कौशल्य का प्रदर्शन किया था। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध के दौरान मारा गया था और अंतिम श्वास के समय भगवान कृष्ण ने उसे दुष्ट यमुन के रूप में पुनर्जन्म देने का वरदान दिया था। एकलव्य ने तीरंदाजी का जो तरीका अपनाया था, उसे वर्तमान काल में तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। सुना आपने एकलव्य और गुरु की स्टोरी? सुना समझ में आया आपको? तो ऐसे ही समर्पण भावनाओं को आप सब लोगों को अपनाना चाहिए और अपने गुरु के प्रति आदर भावना रखनी चाहिए। समझ में आया?